हेलो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम सब जानते हैं कि दांत सफ़ेद ना हो तो चेहरा भी बुरा लगता है। दूसरा ये कि दांतों की गंदगी हमारे खुराक के साथ मैदे में जाकर खराबी पैदा करती है। यही वजह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दांतों की सफाई करने के लिए तो मिसवाक पर बहुत जोर दिया है। दांत साफ होंगे तो सेहत भी अच्छी होगी। पहले ज़माने में इतने टूथब्रश नहीं थे, तब भी लोगों के इतने दांत चमका करते थे। और अब तो पता नहीं कितने किस्म के पेस्ट आ गए हैं, बहुत सारे टूथपेस्ट दस्तियाब हैं। समझ नहीं आती है कि कौन सा इस्तेमाल करें और कौन सा ना करें। इसके साथ साथ दांतों की तकलीफ भी बहुत भी बड़ी और बच्चों में नज़र आ रही है। और आज की वीडियो में आपको दांत चमकाने का बहुत ही फायदेमंद नुस्खा दिया जा रहा है। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नुस्खा क्या है? दांत चमकदार करने के लिए खाने का सोडा 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ नमक 1 चाय का चम्मच और पिसा हुआ सुहागा 1 चाय का चम्मच, ठीक है? ये आप ले लें। तरीका इस्तेमाल क्या है मैं आपको वापस से ये चीज़ बता देती हूँ। दांत चमकाने के लिए खाने का सोडा 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ नमक 1 चाय का चम्मच और पिसा हुआ सुहागा 1, ठीक है? तरीका इस्तेमाल क्या है? तरीका इस्तेमाल आपको इस तरह से करना है कि इन तमाम अज्ज़ा को मिक्स करके शीशी में रख दें और रोज़ाना इससे दांत साफ करें। बहुत जल्द आपके दांत चमक जाएंगे, दांतों का पीलापन भी ख़त्म हो जाएगा। अगर नींबू के रस में सोडा बाइकार्बोनेट मिलाकर ब्रश ब्रश किया जाए तो भी दांत मोतियों की तरह चमक जाएंगे, ठीक है? और अगर दांतों पर सियाह निशान है तो चंबोली को फूल को उबाल लें और पानी महफूज कर लें। हर रोज़ इस पानी से कुलिया करें, इससे दांतों पर पड़े काले निशान ख़त्म हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला चमक भी बहुत अच्छी आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको। और इसके अलावा एक और भी मेरे को याद आया टोटका, सिर्फ सरसों के तेल में नमक मिलाकर दांतों पर मला जाए तो भी दांतों का पीलापन ख़त्म हो जाता है। और अगर तेल की बू नागवार लगे तो इसके बाद कोई भी टूथपेस्ट से ब्रश कर लें, ठीक है? सरसों का तेल और नमक मिलाकर भी दांत बहुत अच्छे हो जाते हैं। और अगर ये ना कर सके तो आप जो है सिर्फ टूथपेस्ट और नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजॉय करें दोस्तों, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद कर रखें। उम्मीद करती हूँ आपको सब पसंद आया होगा। बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।